दोस्तों वेलकम टू पीवीआर स्टडी। सुबह के 8 बज चुके हैं और शुरू हो चुकी है कक्षा 10 की एनसीईआरटी गणित। इसका है चैप्टर 2, जिसका नाम है, चैप्टर 2 का नाम बहुपद, इंग्लिश में पॉलीनोमियल। दोस्तों ये कक्षा 10 का सिलेबस है और भारत के सभी राज्यों में सिलेबस इसका सेम ही है, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे अदर स्टेट का बोर्ड हो, हर जगह आपको यही सिलेबस मिलेगा, यही क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इसको प्लीज़ आप अपने दोस्तों को बताइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए पढ़ते हैं कक्षा 10 के एनसीईआरटी चैप्टर 2। चैप्टर 2 में इसमें एक ऐसे ग्राफ मिलेगा आपको जिसमें ये बताना है कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, या फिर कहेंगे शून्यकों की संख्या कितने हैं। कितने शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, ग्राफ को देखना है और बताना है कि शून्यकों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कैसे निकालेंगे। पहला क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, पांचवा, बहुत ही आसान है। आप इस ग्राफ को देखिए और ग्राफ को देखिए कि ये यक्स एक्सिस को, यक्स अक्ष को कितनी बार टच कर रहा है। जितनी बार टच करेगा वो इसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी। पहले क्वेश्चन में देखते हैं, ये ग्राफ है बना हुआ है जो कि एक्स एक्सिस को कहीं भी टच नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। इसमें शून्यकों की संख्या क्या है, जीरो है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान है, आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये ग्राफ बना हुआ है 1, 2, 3, एक्स एक्सिस को कितनी जगह टच किया, 3 पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे, 3 आंसर हो गया। ये इसमें नहीं, इसमें कुछ करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, इसका ग्राफ बना हुआ है एक्स एक्सिस पे जो कि 2 बार टच कर रहा है, 2 जगह पे टच कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे, 2 आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये है ग्राफ आपका बना हुआ है, ये एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है 1, 2, फिर 3 पॉइंट पे टच किया, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशन या शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए और देख लीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें ग्राफ बना हुआ है एक्स एक्सिस पे जो कि सिर्फ इतना देखेंगे कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, 1, 2, 3 और 4 पॉइंट पे टच कर रहा है, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 4 इज द योर आंसर। ये है एक्सरसाइज 2.1 जो कि कंप्लीट होती है। आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं है, जो कि फरवरी या मार्च में स्टार्ट हो जाएगा, तो एग्ज़ाम की डेट को देखते हुए जल्दी से अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में भी और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक्सरसाइज 2.2 जानने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेंगे। द्विघात समीकरण जैसे पॉलीनोमियल्स है, बहुपद है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पर शून्यकों का मतलब है इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अगर 2 डिग्री इक्वेशन है तो 2 सॉल्यूशन आएंगे। मान लो एक सॉल्यूशन अल्फ़ा है, दूसरा बीटा है, तो अल्फ़ा और बीटा में 2 संबंध होता है जो कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी वाई ए होता है। माइनस बी एक्स के गुणांक और ए एक्स स्क्वायर के गुणांक। अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी अपान ए, अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक। ये सूत्र है, इसको याद रखेंगे। पूरी एक्सरसाइज 2.2 में ये आपको काम देंगे।
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें कह रहा है कि इसके शून्य ज्ञात कीजिए तथा गुणांकों के बीच इसकी सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले इसको हल करेंगे इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट इक्वल टू ज़ीरो ले लेंगे। इसको द्विघात समीकरण को जैसे हल करते हैं गुणनखंड विधि से, वैसे इसको हल करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एट वन, यहाँ पे वन मान सकते हैं, एट वन जा एट, एट का ऐसा गुणनखंड कीजिए जो कि माइनस करने पर टू आए। एट का ऐसा गुणनखंड कीजिए टू, टू टू जा फोर, फोर माइनस टू यानी फोर माइनस टू करेंगे तो क्या आ जाएगा, फोर माइनस टू टू फिर आ जाएगा। एक्स माइनस एट, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, माइनस माइनस अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस टू एक्स माइनस एट इक्वल टू ज़ीरो, इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर x कॉमन है, यहाँ x दो बार, यहाँ x एक बार, x को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर बचेगा x माइनस फोर प्लस, यहाँ पर 2 कॉमन है, कॉमन ले लेंगे, बचेगा x माइनस फोर। इस लाइन में आप देखेंगे कि दोनों ब्रेकेट की चीज़ें एकदम सेम आएंगी, अगर सेम नहीं आ रही हैं तो समझ लीजिए कहीं गलती है। पूरे इक्वेशन में x माइनस फोर कॉमन है, x माइनस फोर कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, ये कॉमन हो गया, बचा है क्या x और 2, तो बचा क्या दूसरे ब्रेकेट में x प्लस टू, दूसरे ब्रेकेट में x प्लस टू बचा, इक्वल टू ज़ीरो। अब इसके बाद एक बार x माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो रख देंगे और एक बार x प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो रख देंगे, तो इसके दो शून्य यानी दो सॉल्यूशन आ जाएंगे। देखते हैं, इधर करते हैं, x माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो और x प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो कर लेंगे, तो x इक्वल टू फोर इधर आएगा, प्लस फोर हो जाएगा, एक वैल्यू ये आ गई, और x इक्वल टू ज़ीरो माइनस टू, एक्स इक्वल टू माइनस टू, एक वैल्यू ये आ गई। तो इसके दो शून्य आए, फोर और माइनस टू। अब इसकी सत्यता की जांच करेंगे, वो कैसे करेंगे, यहाँ से देखिए, अल्फा मान लो ये क्या आया है अल्फा, ये क्या आया है बीटा, तो इन दोनों का योगफल यानी मूल, इसको कहते हैं मूल या शून्यक, मूलों का योगफल फोर प्लस माइनस टू कितना आ रहा है टू, और मूलों का गुणनफल फोर इंटू माइनस टू कितना आ रहा है माइनस एट। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा भी निकाल के देख लेंगे, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा माइनस बी बाई ए, माइनस बी यहाँ से तुलना करेंगे तो बी की वैल्यू कितनी आएगी माइनस टू, माइनस बी एक माइनस बाहर, और ए की वैल्यू क्या आएगी वन, वन नीचे रख देंगे, तो यहाँ भी क्या आ गया टू, यहाँ भी टू, यहाँ भी टू, सत्यता की जांच सही है। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना आएगा अल्फा इंटू बीटा, सूत्र क्या होता है सी बाई ए, सी अपान ए, सी कितना है माइनस एट, माइनस एट अपान ए कितना है वन, एट अपॉन वन इक्वल टू माइनस एट, तो यहाँ भी माइनस एट, यहाँ भी माइनस एट इक्वल है, यहाँ टू, यहाँ भी टू इक्वल है, यानी कि इसमें जो गुणांकों की सत्यता की जांच करनी थी वो भी सही आ रहा है दोनों में, दोनों का अगर यहाँ पर माइनस एट यहाँ पर कुछ और आ जाता तो ये सत्यता की जांच गलत होती और इसका सोल्यूशन देख लीजिए और
स्क्रीनशॉट लेकर के चाहे वीडियो को रोक करके अच्छे से समझ लीजिए, जहाँ पे ना समझ में आए कमेंट करिए। दोस्तों एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा क्वेश्चन सेम उसी तरह है पहले की जैसा, हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 6x² - 3 - 7x, तो 7x को बीच में कर लेंगे, 3 को इधर कर देंगे, 6x² - 7x - 3 ये क्वेश्चन है। तो अगर देखेंगे ax² + bx + c के टाइप का ही है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6x² - 7x - 3 को सॉल्व करके देखते हैं इसका आंसर कितना आता है, यानी इसके सॉल्यूशन कैसे आते हैं। 3 और 6, सबसे पहला काम करेंगे 3 और 6 का मल्टीप्लाई कितना, 6 3 18, 18 को फैक्टराइजेशन कर लीजिए, गुणनखंड कर लीजिए, जिससे कि घटाने पर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। 2 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा, 3 2 6 6 3 18, 3 3 9, अगर इसको इसको लोगे 3 2 6 6 - 3 नहीं आएगा, 3 3 जा 9 9 - 2 9 - 2 7 आ जाएगा। तो 3 3 जा एक साथ ले लेंगे 9 और 2, इसका फैक्टर जो बना 9 और 2, 9 में से 2 माइनस कर देंगे 7 आ जाएगा, तो इसका फैक्टर यही है, लिख लीजिए 6x² - 9x - 2x - 3। एक लाइन बीच में चाहे लिख सकते हैं x 9 - 2, x से अंदर गुणा हो जाएगा 9x - 2x हो जाएगा। इसमें कॉमन है 3x कॉमन है, कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या 2x - 3, यहाँ पे -1 कॉमन ले लेंगे, बचेगा 2x -2x। देखिए इसको फिर से बताते हैं पूरा शुरू से, 6x² - 7 की जगह क्या लिखेंगे, 9 - 2 9 - 2 x - 3, जिससे कोई गलती होने की संभावना ना रहे। 6x² - 9x, और ये माइनस अंदर में गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 2x - 3, क्या बन गया। अब यहाँ पर 3 और x कॉमन है, 3x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा 2x - 3, और यहाँ पे +1 कॉमन लेंगे, बचेगा 2x - 3। अब इसके बाद पूरे समीकरण में 2x - 3 कॉमन है, 2x - 3 2x - 3, 2x - 3 कॉमन लेंगे, और बचेगा क्या दूसरे ब्रैकेट में 3x + 1। ये इसको समीकरण बनाने के लिए अगर सबके आगे 0 कर देंगे, इक्वल 0 क्यों करेंगे, क्योंकि इसको हल करना है। एक बार 2x - 3 = 0 लेंगे, और एक बार 3x + 1 = 0 लेंगे। 2x = 3x = 3/2, एक वैल्यू, दूसरी वैल्यू 3x = -1 x = -1/3। अब इसमें इसके गुणांकों की जांच करना है, तो सूत्र बताए थे क्या होता है, α + β = -b/a होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ से ax² + bx + c से तुलना करेंगे,
ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, बी की वैल्यू 3 और सी की बी की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू 3। माइनस के साथ लिखेंगे नहीं तो गलत हो जाएगा, माइनस का ध्यान रखेंगे। यहाँ की बी की वैल्यू कितनी है, -7। इसको इस तरह से अगर लिख लेंगे जैसे नीचे लिखा हुआ है, 6x² - 7x और -3 = 0, 0। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अब ये जो एक वैल्यू आई है ये एक वैल्यू अल्फ़ा है, दूसरी वैल्यू क्या है, बीटा है। पहली वैल्यू अल्फ़ा रखेंगे 3/2 प्लस दूसरी -1/3 इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है, -7 माइनस फिर अंदर में माइनस, -7/a की वैल्यू है 6। इसको इधर सॉल्व करेंगे, इधर सॉल्व करेंगे, दोनों की वैल्यू सेम आएगी तो समझ लो गुणांकों की जांच सही है। इसको हल करेंगे 3 2 6 9 3 2 6 6 1 6 1 बार गया 1 से ऊपर मल्टीप्लाई 2 3 6 3 बार गया 3 से ऊपर मल्टीप्लाई 3 3 9। और ये प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, 3 2 6 2 1 2 -2 इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6। इधर भी 9 - 2 क्या आ जाएगा, 7 7/6। इधर भी 7/6। इक्वेशन नंबर 1 मान लो या कुछ भी मान लो, यहाँ पर LHS इक्वल टू RHS आ गया, यानी कि पहले इक्वेशन में अभी एक और इक्वेशन बनेगा। पहले इक्वेशन में संबंधों की जांच सही है, दूसरा इधर बताते हैं, तब तक आप लोग वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले करके सॉल्व कर लीजिए। इसका अगला गुणांक क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/a होता है, जो कि C की वैल्यू 2 C एक गुणांक है, A एक गुणांक है, किसका, ax² + bx + c का। इससे तुलना करेंगे, C की वैल्यू क्या है, -3 रख देंगे, अपान A की वैल्यू क्या है 6, तो 6 लिख देंगे। और अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई थी 3/2 सॉल्व करने पे 3/2, बीटा की वैल्यू क्या आई थी -1/3। दोनों को सॉल्व करो, दोनों LHS और RHS बराबर आने चाहिए, 3 * 3 3 * 3 कैंसिल हो गया, -1/2 और इधर भी 3 * 3 3 * 2 6 -1/2। LHS इक्वल टू RHS अर्थात इसमें जो शून्यकों का मान आया है और इसके जो गुणांक हैं उनके बीच ये जो संबंध होता है, कौन सा संबंध, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू C/a और अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a सही है, सत्य है, संबंधों के सत्यता की जांच सही है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू PVR स्टडी। जैसा कि आप लोगों जानते हैं, चैप्टर 2 चल रहा है कक्षा 10 का, जिसका एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन हो गया था, तो दूसरा क्वेश्चन करवाना है। दूसरा क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं क्या कह रहा है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों यानी मूलों का योगफल दिया है और मूलों का गुणनफल दिया है, जैसे 1.4 और 1, ये मूलों का योगफल है, ये मूलों का गुणनफल है। आप लोग सोच रहे होंगे शून्यकों या मूलों है क्या, जैसे कोई समीकरण था ax² + bx + c = 0, ये एक बहुपद है, जब इसको सॉल्व करते थे, मान लो दिया है 2x² + 6x + 9 = 0, जब इसको सॉल्व करते थे तो x की 2 वैल्यू आती थी, वही इसके 2 मूल हैं, 2 शून्यक हैं, एक मूल अल्फ़ा हो जाता था, एक मूल बीटा हो जाता था। तो मूलों का योगफल जो होता है वो अल्फ़ा प्लस बीटा मूलों का योगफल होता है, योगफल, और अल्फ़ा इंटू बीटा गुणनफल होता है, गुणनफल। ऐसे कोई समीकरण है जिसका मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है, इसका इक्वेशन बनाता है। तो आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे ये हल होगा।
इसका एक सूत्र होता है, पहले उसको देख लेते हैं। जैसे मूलों का योगफल दिया है, अल्फा प्लस बीटा दिया है 1/4, अल्फा इंटू बीटा दिया है 1। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, 1/4 मूलों का योगफल यानी शून्यकों का योगफल और 1 शून्यकों का गुणनफल। तो इसका जो सूत्र होता है वो इस तरह से होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इसी सूत्र पे ये पूरा क्वेश्चन लगेगा। इसके कई पार्ट हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के 1, 2, 3, 4, 5, 6 पार्ट हैं। तो पहला पार्ट देखते हैं इसका कैसे होगा। आइए इसी सूत्र में मान रखते हैं, यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, अल्फा दिया है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 अल्फा इंटू बीटा 1। इसी सूत्र में रखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पर 1 रख देंगे, 1 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस यक्स से अंदर में गुणा होगा एक्स 4 प्लस 1 इक्वल टू 0। इस समय ये जो बहुपद आया है नीचे 4 है, यानी इसका डिनोमिनेटर ख़त्म कर देंगे, पूरे इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, लिख दो इसको, इक्वेशन नंबर 1 बना लो, 1 में 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करने पर इधर कर देते हैं। जैसे ही 4 से गुणा करेंगे ऊपर क्या बन जाएगा, 4x स्क्वायर। यहाँ 4 से गुणा करेंगे तो 4 कट जाएगा, माइनस 4x/4, इस 4 से ये 4 कट जाएगा, बचेगा x, प्लस 4 बन जा 4 हो जाएगा, 4 इक्वल टू 0। तो फाइनली क्या बचा, 4x स्क्वायर, यहाँ पे x बचा है माइनस x, प्लस 4 इक्वल टू 0 इज़ योर आंसर। कह रहा था क्वेश्चन में कि एक द्विघात के मूलों का योग 1/4 है, मूलों का गुणनफल 1 है, तो वो बहुपद ज्ञात कीजिए। तो वो बहुपद इस सूत्र में रख करके, अल्फा और बीटा का मान रख करके, इस तरह से ये बहुपद निकल आया, यही हो गया आपका आंसर। इसको आप कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके कर लीजिए। दोस्तों दूसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में दिया गया है √2, 1/4। तो बताइए √2 क्या है, कमेंट करके बताइए, √2 क्या है, मूलों का योगफल यानी शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा दिया है √2, अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है 1/4। सूत्र क्या लगाएंगे, पहले क्वेश्चन में जो लगाए थे, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये नहीं पूछेंगे अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा और बीटा क्या है, इस द्विघात बहुपद का एक मूल है अल्फा, एक मूल है बीटा। जब इसको हल करेंगे तो दो मूल निकलेंगे, एक है अल्फा एक है बीटा, और इन दोनों का योगफल √2 है, इन दोनों का गुणनफल 1/4 है। इसी सूत्र में रखेंगे और इस मूल का एक बहुपद निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर रख देंगे √2 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पर 1/4 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स से गुणा होगा √2x प्लस 1/4। फिर वही चीज़ करेंगे, नीचे 4 है, डिनोमिनेटर हटा देंगे, पूरे इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन नंबर 1 में
एक में फोर से गुणा करने पर, फोर से गुणा करने पर। आइए इधर देखते हैं, फोर से गुणा करके फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर इंटू रूट टू एक्स प्लस फोर इंटू वन अपॉन फोर इक्वल टू ज़ीरो। तो ये फोर से ये फोर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर इंटू अंडर रूट टू, फोर अंडर रूट टू एक्स प्लस यहाँ बचा वन इक्वल टू ज़ीरो। ये है आपका आंसर क्वेश्चन नंबर दूसरे का पार्ट दूसरा है, जिसका मूलों का योगफल वन अंडर रूट टू है और मूलों का गुणनफल वन अपान फोर है। सूत्र लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कर लेंगे। इसको स्क्रीनशॉट चाहे ले लीजिए दोस्तों। पार्ट क्वेश्चन नंबर टू का पहला दूसरा हो गया है, तीसरा और चौथा बहुत ही आसान है, आप लोग कर लेंगे, होमवर्क है। तीसरा चौथा क्वेश्चन लिख देते हैं, तीसरा चौथा, तीसरे में है तीसरा और चौथा क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है, जीरो कॉमा अंडर रूट फाइव और चौथा है वन कॉमा वन। ये है होमवर्क, आप लोग करिएगा। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, हम इसको अगले पार्ट में फिर से बताएंगे, लेकिन पहले आप इसको कोशिश करिए, घर पे करिए, अगर नहीं आता है तो ही बताएंगे। तीसरा और चौथा इसको नोट कर लीजिए। आते हैं पाँचवें क्वेश्चन पे, पाँचवा है माइनस वन अपान फोर कामा वन अपान फोर। तो ये माइनस वन अपान फोर क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस वन अपान फोर, अल्फा इंटू बीटा क्या है प्लस वन अपान फोर। सूत्र ये है, इसमें रख देंगे आंसर आ जाएगा, कुछ करना नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे माइनस के साथ ही लिखेंगे, माइनस वन अपान फोर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे वन अपान फोर एक्स स्क्वायर। ये माइनस ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर दोनों है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आप लोगों को पता होगा, और x से मल्टीप्लाई होगा तो अंदर में हो जाएगा x अपान फोर और प्लस वन अपान फोर इक्वल टू ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। नीचे डिनोमिनेटर में फोर है, कोई भी नंबर रहेगा, जो नंबर रहेगा उसी से इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन नंबर एक में फोर से मल्टीप्लाई करने पर, फोर से गुणा करने पर, फोर से गुणा कर देंगे, इधर कर दे रहे हैं, फोर एक्स स्क्वायर प्लस इसे फोर से मल्टीप्लाई करेंगे, फोर से फोर कट जाएगा तो बचेगा एक्स, कर ही देते हैं, फोर इंटू अपान फोर प्लस फोर इंटू वन अपान फोर इक्वल टू ज़ीरो। में फोर से मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो हो जाएगा, ये फोर से फोर कैंसिल, ये फोर से फोर कैंसिल, बचेगा फोर एक्स स्क्वायर प्लस यक्स और प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। ये आपका आंसर हो गया, इसको कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो पांचवें क्वेश्चन के बाद आइए देखते हैं छठा क्वेश्चन, जिसमें मूलों का योगफल दिया है वन अपान फोर, मूलों का गुणनफल दिया है माइनस वन, मूलों का मतलब शून्य को। तो अल्फ़ा प्लस बीटा वन अपान फोर, अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस वन, बहुत ही आसान है। एक्स स्क्वायर सूत्र में मान रख देंगे, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। एक्स अल्फा प्लस बीटा का मान वन अपान फोर, वन अपान फोर एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपान फोर, ये माइनस 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 और प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। तो नीचे फोर है, फोर से ऊपर सब में मल्टीप्लाई कर दो, फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर
इंटू एक्स अपान फोर माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो। फोर से ये फोर कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, फोर एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे एक्स बचा हुआ है एक्स माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो। ये हो गया आपका आंसर। आपका चैप्टर 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है बहुपद का। अब अगले पार्ट में मिलते हैं एक्सरसाइज 2.3 के साथ। तब तक आप लोग जो होमवर्क दिया गया उसको कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन दबाओ। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीवीआर स्टडी। आज है कार्य एवं समय का पार्ट टू। जैसा कि पार्ट वन हो चुका है, जो लोग नहीं देखे हैं कृपया प्लेलिस्ट में जाकर के पीवीआर स्टडी की कार्य एवं समय पार्ट वन सर्च करें और देख लें, नहीं तो यहाँ पर कम समझ में आएगा। तो ये है पार्ट टू, आइए शुरू करते हैं। पहले पार्ट में साधारण प्रश्न हुए थे, इसमें सूत्र पर आधारित प्रश्न होंगे। सूत्र पर आधारित इसमें केवल एक ही सूत्र लगता है, जैसे M1 D1 H1 अपान W1। M1 मैन है, D1 डे है, कभी कभी आवर भी, डे के साथ आवर भी दे देता है, तो H1 हो गया अपान W1 वर्क है, इक्वल टू M2 D2 H2 अपान W2। इसमें से कभी कभी मैन और डे ही देता है, M1 D1 इक्वल टू M2 D2। जो चीज़ दिया रहेगा उसी का सूत्र लगाएंगे। जैसे दे दिया कि 10 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो 15 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो केवल मैन और डे दे दिया, तो M1 D1 इक्वल टू M2 D2 लगा करके इसको सॉल्व कर लेंगे। कभी कभी आवर भी दे देता है और वर्क भी दे देता है, तो उसमें H1 और W1 जोड़ लेंगे। तो ये है सूत्र, इसको लिख लीजिए। फिर पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, मिटा देते हैं इसको। M1 D1 H1 अपान W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपान W2। पहला प्रश्न है 12 आदमी किसी काम को 12 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो 16 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। बारह आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो 16 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। यहाँ पर क्या दिया है, मैन दिया है आदमी और डे दिया है दिन, तो सूत्र क्या लगाएंगे, M1 D1 इक्वल टू M2 D2। M1 क्या दिया है 12, D1 क्या दिया है 12 आदमी कितने दिन में, 20 दिन में करते हैं, इक्वल टू M2 कितने आदमी हैं, 16 आदमी हैं। पूछ रहा है 16 आदमी उस काम को कितने दिन में, यानी D2 बताना है, D2 बताना है कितने दिन में करेंगे। D2 लिख लो, 16 इधर पक्षांतर होगा, 12 गुणे 20 बटे 16, सॉल्व कर लो इसको, 4 3 12, 4 4 16, 4 1 4, 4 5 6 20, 5 और 3, 5 4 15, यानी D2 क्या आ गया, 15 आ गया। यानी इसका आंसर क्या आया, 12 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते थे, 16 आदमी उसी काम को 15 दिन में कर लेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, लेकिन कि सूत्र ना पता होने की वजह से, कॉन्सेप्ट ना पता होने की वजह से ये क्वेश्चन छूट जाते हैं। इसको कर लीजिए, फिर देखते हैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसको आप लोग करिए, इरेज कर दें। सूत्र यही लगेगा, कभी आवर भी दे देगा यानी घंटा भी दे देगा, और कहीं टाइम दे देगा। जैसे अगला क्वेश्चन है, 15 आदमी 8 घंटे
15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में एक बांध बना लेते हैं। 15 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक बांध बना लेते हैं तो 24 व्यक्ति 20 घंटे प्रतिदिन काम करके तो 24 व्यक्ति 20 घंटे प्रतिदिन काम करके कितना बांध बनाएंगे। क्वेश्चन वही है, इसमें देखो घंटा भी दे दिया यानी आवर भी दे दिया। 15 आदमी प्रतिदिन डेली काम कर रहे हैं, 8 घंटे काम करके एक बांध बना लेते हैं, तो 24 व्यक्ति 20 घंटे प्रतिदिन काम करके कितना बांध बनाएंगे। तो 15 m1 d1 h1 = m2 d2 h2 लगा देंगे और वैल्यू रख के आंसर निकाल लेंगे। यहाँ पर डे में प्रतिदिन यानी एक दिन दे दिया है, तो m1 क्या है 15, d1 एक, h1 8 घंटे, एक बांध बना लेते हैं, एक हो गया। इसके बाद अपन w1 भी कर लेंगे, बांध भी दे दिया w2, कितना बांध बनाएंगे ये पूछा है। m2 कितना है 24, d2 कितना है, यहाँ भी डे क्या है प्रतिदिन काम कर रहे हैं, घंटा क्या है यहाँ पर 20 घंटे काम कर रहे हैं, तो कितना बांध w2 बताना है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सीधे सीधे काट सकते हैं, 8 + 8 = 24, 5 × 3 = 15, 5 + 4 = 20। तो यहाँ क्या बचा 3 / 1 = 4 × 12 / w2, यानी कि 3 w2 = 12, यानी w2 = 12/3 = 4। ये 4 क्या आया w2 यानी कि वर्क, यानी कि देखिए यहाँ पर w1 एक था, एक बांध बना रहे थे, लेकिन कि जब 24 व्यक्ति 20 घंटे काम करने लगे तो 4 बांध बना रहे हैं, उतना ही लंबा 4 बांध, तो 4 बांध यानी ये अगर पहले एक काम था तो अभी इतने लोग मिलकर के 4 काम कर रहे हैं। ठीक है, इसको कर लीजिए, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी टाइप का कुछ अलग। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में लिखा है 100 आदमी 100 दिन में 50 काम करते हैं, तो 50 आदमी 50 दिन में कितना काम करेंगे। पहले 100 आदमी थे, 100 दिन काम कर रहे थे, तो कुल कितना काम कर ले रहे थे 50 काम। अब 50 आदमी 50 दिन काम कर रहे हैं तो कितना काम करेंगे। वैसे तो देखेंगे कि 100 आदमी हैं, 100 दिन काम कर रहे थे तो आधे हो गए, 50 आदमी 50 दिन काम करने लगे, तो काम पहले होता था 50 तो अब होगा 25, लेकिन जब 25 कर देंगे तो आंसर हो जाएगा गलत। बहुत से लोग इसका आंसर 25 दे देते हैं, तो आइए देखते हैं कैसे इसका आंसर आएगा। सूत्र लगाओ m1 d1 / w1, काम दिया है = m2 d2 / w2। m1 d1 क्या है 100 आदमी है, 100 दिन काम कर रहे हैं, काम कितना हुआ 50 काम। m2 50 आदमी हो गए, कितना काम, कितने दिन काम किए 50 दिन काम किए, कितना काम करेंगे ये निकालना है। w2 ऐसे रख दो, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आप जितने जल्दी कैलकुलेशन करके इसको सॉल्व कर लेंगे उतना जल्दी आंसर आ जाएगा।
इस जीरो से ये जीरो कट गया, एक जीरो से ये दो जीरो कट गया। ऊपर क्या बचा? 10, नीचे 5, 5 एक कम 5, 5 दूना 10। यहाँ क्या बचा? 2/1। यहाँ क्या बचा? 25/W2, यानी कि 2W2 बराबर 25। W2 क्या आ जाएगा? 25/2 इक्वल टू 12.5 काम। क्या आंसर आ गया? 12.5 काम। नहीं तो वैसे करेंगे तो गलत हो जाएगा, आंसर इसका 12.5 काम आएगा। इसको कर लीजिए। फिर आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, टाइप नंबर 3 पे। ये है टाइप 3। टाइप 3 में जब कोई व्यक्ति कुछ दिन काम करके उसके बाद छोड़ के चला जाता है, कुछ दिन काम करके छोड़ के चला जाता है, जैसे ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन तथा 20 दिन में करते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में तथा बी उसी काम को 20 दिन में करता था। इन्होंने काम स्टार्ट किया और 5 दिन तक काम किया, उसके बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष काम बी अकेले कितने दिन में करेगा? जैसे साधारण प्रश्न टाइप फर्स्ट में बताए थे, उसी तरह से ए किसी काम को कितने दिन? 10 दिन में किया। बी उसी काम को 20 दिन में किया। इसके बाद दोनों 5 दिन तक काम किए, तो पहले ये निकाल लेंगे इसका लासा। 20 और 10 का एलसीएम कितना होगा? 20, 10 दूना 20, 20 एक कम 20। ये है दिन, ये 20 क्या आ गया? वर्क, टोटल वर्क है। ये क्या है? इफिशियंसी है। अब अगर कहें कि 5 दिन में ये दोनों कितना काम करेंगे, तो भाई इन दोनों की इफिशियंसी कितना है? 2/3, यानी ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 3 वर्क पर डे, यानी एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। तो 5 दिन साथ साथ काम किए, तो 5 दिन में कितना काम कर लेंगे? 5 × 3 = 15 वर्क हो गया। 15 वर्क, यानी कि जब काम करना स्टार्ट किए तो ए और बी दोनों मिलकर 15 काम कर लिए हैं। टोटल काम कितना है? 20 है, तो 20 में से 15 काम हो गया, बचा कितना है? 5 वर्क। 5 काम बचा है, जो कि कौन करेगा? बी छोड़ के चला गया है, बचा कौन? बी। ए छोड़ के चला गया है, बचा कौन? बी। तो बी की इफिशियंसी कितनी है? 1 है, यानी बी एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 5 काम कितने दिन में करेगा? 5 × 1 = 5 बराबर 5 दिन, यानी बी उसी काम को कितने दिन में करेगा? 5 दिन में करेगा। इसको कर लीजिए। फिर आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो, ए और बी दोनों एक साथ पहले काम किए, तो हमने ये निकाल लिया कि ए और बी कितना काम कर रहे हैं 5 दिन में, तो इनकी इफिशेंसी 2/3, तो 5 दिन में टोटल काम 15 आ गया। अब 15 टोटल काम था, 20 जो एलसीएम लेते हैं वही बन जाता है टोटल वर्क, तो 20 में से 15 माइनस कर देंगे, बचेगा क्या? 5। 5 में से ये 5 काम जो बचा, इसको कौन करेगा? बी करेगा, बी छोड़ के चला गया है, तो इसकी इफिशियंसी थी 1, 1 से डिवाइड कर दिए, कितना आ गया? 5 डे, यानी 5 दिन में बी उसको कंप्लीट कर लेगा। देखो, ये है टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें है क्वेश्चन सेम उसी तरह, लेकिन थोड़ा सा अलग है। इसमें 3 लोग हैं, ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन व 12 दिन में करते हैं, यानी उसके बाद तीनों एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं। इतने ए 10 दिन में, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उस काम को 15 दिन में तथा सी उसी काम को 12 दिन में करता था। तीनों काम एक साथ स्टार्ट किए, उसके बाद एक दिन बाद एक कार्य छोड़ दिया, तो एक दिन तक तीनों लोग साथ साथ काम किए हैं। तो अगर हम ये निकाल लें कि एक दिन में तीनों लोग कितना काम किए हैं, तो बचा हुआ काम कितने दिन में हुआ, ये हमें पता चल जाएगा। तो सबसे पहले इसका क्या ले लेंगे? एलसीएम। 10, 15 और 12 का एलसीएम क्या आएगा? सबसे बड़ी संख्या 15 × 30, 30 इन दोनों से डिवाइड नहीं होगा, 15 × 45,
45 इन दोनों से डिवाइड नहीं होगा, 15 चौका 60, 60 10 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो 60 क्या हो जाएगा इसका एलसीएम। ये है एलसीएम निकालने की ट्रिक, ठीक है। तो अगर वैसे निकालेंगे तो टाइम लगेगा, कंपटीशन है, बिना ट्रिक के करेंगे तो टाइम लगेगा। 10 छंग 60, ये इसकी, अब यही जो 60 आया यही इसका क्या होगा, वर्क होगा। 10 छंग 60, 15 चौका 60, 12 पंचे 60, ये क्या आ गया। इसी 60 से इसको डिवाइड करके इफिशियंसी निकाल लेंगे। इफिशियंसी मतलब दक्षता। इफिशियंसी क्या होती है, वर्क पर डे। ये ए 6 काम प्रतिदिन करता है, बी 4 काम प्रतिदिन करता है, सी 5 काम प्रतिदिन करता है। अब पूछ रहा है, कह रहा है कि तीनों एक साथ काम प्रारंभ करते हैं, तो ए बी और सी तीनों एक साथ काम किया और कितना दिन तक किए, एक दिन तक, क्योंकि एक दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया है, तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे। इफिशियंसी कितनी है, 6 4 10 5 15, 15 वर्क पर डे, तीनों एक दिन में 15 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम कर लिए, 15 काम, ठीक है। अब टोटल वर्क क्या था, 60, एक दिन में कितना काम हो चुका है, 15 काम हो चुका है, तो बचा हुआ काम क्या है, शेष कार्य क्या, इक्वल टू 60 माइनस 15 इक्वल टू 45, 45 काम अभी बचा है, ए छोड़ के चला गया है। अब बचे हैं कौन, बी और सी। अब बी और सी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 4 9 काम, तो शेष काम कौन करेगा, बी और सी करेंगे, इनकी एफिशिएंसी कितना है, 9 है, तो बचा हुआ काम कितना है, 45, 45 काम को कौन करेंगे, बी और सी मिलकर करेंगे, तो एक दिन में 9 काम कर रहे हैं, तो 45 काम कितने दिन में करेंगे, 9 से डिवाइड कर दो, 9 5 45, ये आ गया 5, तो शेष काम 5 दिन में। लेकिन क्वेश्चन में कुछ और पूछा, अगर 5 आंसर दे देंगे गलत हो जाएगा, ऑप्शन में रहेगा 5 दिन 6 दिन 4 दिन 8 दिन, ऐसे ऑप्शन में रहेगा। पूछा है क्वेश्चन में क्या पूछा, कुल कार्य कितने दिन में होगा, टोटल वर्क पूछा है, टोटल वर्क कितने दिन में होगा, तो बचा हुआ काम 5 दिन में हुआ और एक दिन पहले काम हो चुका है, तो 5 × 1 = 6 दिन, 6 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। 6 दिन कहाँ से आया, 5 दिन में बचा हुआ काम, एक दिन ये वाला जो पहले एक दिन कर रहे थे, एक दिन बाद काम छोड़ दिए, ए ने एक दिन बाद काम छोड़ दिया, तो एक दिन पहले काम हुआ था और जो काम बचा था, 45 काम बचा था, वो 5 दिन में हुआ, तो 5 × 1 = 6 दिन में टोटल काम पूरा हो गया। अब इसमें सबसे पहला काम यही करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 12 दिन में, इसके बाद सबका एलसीएम ले लेंगे 60, एलसीएम ही क्या हो जाता है, टोटल वर्क हो जाता है, इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो सबकी इफिशियंसी आ गई। इफिशियंसी क्या होती है, वर्क पर डे होता है। ए ने 6 काम प्रतिदिन किया, 4 काम प्रतिदिन, 5 काम प्रतिदिन। अब क्वेश्चन में कह रहा है एक दिन बाद एक काम छोड़ दिया, तो यानी एक दिन तक तीनों साथ काम किए हैं, ए धन बी धन सी, तो सब ने एक दिन में कितना काम किया, 6 4 10 5 15 काम किया, तो एक दिन में 15 काम, 60 काम टोटल था, 60 में से 15 माइनस कर दिए, बचा 45 काम। अब 45 को 9 से डिवाइड कर दिए, 9 से क्यों, क्योंकि बचे हैं कौन, बी और सी, बी सी की एफिशिएंसी 5 4 9 थी, 9 5 45, 5 दिन ये और एक दिन पहले, 6 दिन टोटल आ गया। इसको कर लीजिए, इसके बाद देखते हैं टाइप 4, यह है टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिए। है उसी तरह ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन व 20 दिन में करते हैं, तीनों ने कार्य आरंभ किया, तीनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद ए और 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, मतलब काम स्टार्ट किए तो जैसे दूसरा दिन आया, 2 दिन बाद ए ने छोड़ दिया, फिर 3 दिन बाद बी ने छोड़ दिया, तो शेष काम सी अकेले कितने दिन में करेगा, ये क्वेश्चन है।
इसको आप लोग ट्राई करिए, हम बताएंगे, ज़रूर बताएंगे। पहले आप ट्राई करिए, कोशिश तो करिए कैसे लगेगा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन व 20 दिन, यानी ए इस काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में करता है। उसके बाद कार्य आरंभ होने के 2 दिन बाद, यानी कि 2 दिन तक काम किया, 2 दिन बाद ए काम छोड़ दिया और फिर 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। तो पहले इसका लासा निकालो, पहले ये लासा आ जाएगा 60, क्यों, 15 चौका 60, 20 तेईस 60, 10 छंग 60, यानी 60 सबसे डिवाइड हो जाएगा और 15 इज द लीस्ट नंबर। 10 छंग 60, 15 चौका 60 और 20 तेईस 60, यानी ए की एफिशिएंसी 6, बी की एफिशिएंसी 4, सी की एफिशिएंसी 3 आ गई। तो 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, यानी 2 दिन तक सबने क्या मिलकर काम किया होगा, ए धन बी धन सी, 2 दिन तक सबने काम किया होगा। तो 2 दिन तक सबने कितना काम किया, 6 4 10 3 कितना काम, 13, यानी एक दिन में 13 काम कर रहे हैं, तो 2 दिन तक कितना काम कर लिए, 13 दुना 26 काम, यानी कि ए बी सी तीनों मिलकर 2 दिन में कितना काम कर लिए, 26 काम। उसके बाद परंतु 2 दिन बाद ए तथा 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। 2 दिन हुआ था, जैसे तीसरा दिन आया, तीसरे दिन ए छोड़ ही चुका था, तीसरे दिन कौन काम किया, बी धन सी काम किया। 3 दिन बाद, यानी 3 दिन के बाद चौथे दिन से क्या, सी अकेले काम कर रहा था चौथे दिन से, यानी तीसरे दिन जब आया, यानी एक दिन तक बी और सी दोनों ने मिलकर काम किया, बी और सी दोनों ने मिलकर काम किया। तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 7, कितने दिन तक काम किया मिलकर, एक दिन तक। यहाँ पर 3 से गुणा मत करिए, क्योंकि 2 दिन के बाद ए तथा 3 दिन के बाद, शुरू से 3 दिन के बाद, तो 2 दिन ये हो गया, तीसरा दिन ये था, तो 7 दिन ये काम हो गया। तो 26 प्लस 7 टोटल काम कितना हो गया, 7 6 13 33 काम, 33 काम हो चुका है कितने दिन में, 3 दिन में। अब बचा हुआ काम कितना है, टोटल 60, बचा काम कितना है, 60 माइनस 33 कितना आ जाएगा, 72, 5 प्लस 3 क्या 2, 27। अब ये 27 काम कौन करेगा अकेले, बी ए भी छोड़ चुका है, बी भी छोड़ चुका है, बचा कौन, सी, सी बचा है, तो सी की एफिशिएंसी कितना है, 3, सी एक दिन में 3 काम करता है, तो कितना काम बचा है, 27 काम, कितने दिन में करेगा, 9 दिन, यानी कि बचा हुआ काम सी कितने दिन में करेगा, 9 दिन में करेगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ए ने 2 दिन बाद तथा बी ने 3 दिन बाद काम छोड़ा, तो पहले 2 दिन तक तीनों मिलकर साथ किए, 2 दिन में कितना काम कर लेंगे, 26 काम कर लेंगे। इसके बाद 3 दिन बाद बी भी, तीसरा दिन जैसे आया, तीसरे दिन काम किया बी, लेकिन तीसरे दिन काम करके बी भी छोड़ के चला गया, तो जो तीसरा दिन था बी और सी ने ही काम किया, ए ने काम नहीं किया, तो बी और सी की एफिशिएंसी 4 3 7 थी, 7 हो गया। तो अब 3 दिन तक जो काम हुआ, 26 7 33 काम हो चुका है, चौथे दिन से सी अकेले काम कर रहा है। तो अब ये टोटल काम कितना बचा हुआ, अभी 27 काम बचा हुआ है, तो 27 काम को सी कितने दिन में करेगा, 3 से भाग दे देंगे, 3 9 27, 9 दिन में सी अकेले उस काम को कर लेगा। तो इस तरह से सी का काम आ गया। अभी इसी तरह से टाइप 3 है, ये टाइप 4 टाइप 5 अभी बाकी हैं, तो इसको कर लीजिए सब लोग, और अच्छे से वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में वीडियो को शेयर करो, ताकि उनको भी पता चल सके कि कंपटीशन की मैथ कैसे की जाती है, कैसे आसान होता है। सूत्र देखेंगे, किताब में देखेंगे, इतना बड़ा सा लगा रहेगा, तो कंपटीशन में इसको बहुत थोड़े में अच्छे से कर लेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।